कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले खाने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके चलते भाजपा नेता दीनू बंजारा और अजय सिंह गौड़ के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर सीएस सुशील को प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि कोविड अस्पताल में खाने में अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने मरीजों को अच्छी गुणवत्ता का खाना देने की मांग की है। वीडियो था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि भाई जो मेडिकल कॉलेज में जो खाना उपलब्ध हो रहा है उसकी कच्ची कच्ची रोटियां हैं, सब्जी बिल्कुल पानी की तरह है, और जब सरकार उन्हें 2440 रुपए का वो दे रही है तो उसके बावजूद वो सड़ा से सड़ा खाना खिला रही है। इसके लिए हमने वहाँ विरोध प्रकट किया और हमने चेतावनी दी उनको कि भाई ये शिकायत दोबारा से नहीं आनी चाहिए। जाके अध्यक्ष साहब को चेतावनी दी है, हमने वीडियो देखा पूरा उसका, भाई रोटी बिल्कुल ख़राब थी। वहाँ से हम किसी से बात भी हुई, स्टाफ से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम भी यही खाना खा रहे हैं, तो इसके लिए हमने उनको चेतावनी दी कि आगे से ये